हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थियों को नौकरी की तलाश रहता है, उन्हें अच्छी सैलरी के साथ जॉब का इंतजार रहता है और इसके लिए अभ्यर्थी प्राइवेट और सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ओर रुख करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं ताकि नौकरी के लिए उनका रास्ता बन सके और वो किसी अच्छे कंपनी में योगदान दे सके। झारखंड में वैसे तो कई निजी और सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज संचालित हो रहे हैं, लेकिन कम ही अभ्यर्थियों को पता है कि आरयू मुख्यालय परिसर में भी 1960 से एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज संचालित हो रहा है। अधिकारियों की उदासीनता और राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से निगरानी नहीं रखने की वजह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन दिनों धूल फांक रहा है और तो और संबंधित अधिकारी भी इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर नहीं आते हैं, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। जिन अभ्यर्थियों को इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में पता है, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलने से इसका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल रांची विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्थित DSW कार्यालय के दूसरे तल में विश्वविद्यालय नियोजन सूचना और मार्गदर्शन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सबसे पुराने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ताजा आंकड़े के अनुसार मात्र 1000 रजिस्ट्रेशन ही हुए हैं। कर्मचारी के नाम पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर यहां रोजाना आते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के निदेशक का कोई अता पता नहीं रहता है। वो प्रभार में है, यहाँ पर कार्यरत है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ईटीवी भारत की टीम ने जब इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जायजा लिया तो उस दौरान भी निदेशक की कुर्सी खाली ही दिखी। विद्यार्थियों को भी इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में जानकारी नहीं है। जब हमारी टीम ने विद्यार्थियों से संबंध में पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। विद्यार्थियों का कहना है कि इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। बताएंगे एक एक्सचेंज चलता है यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, उसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में जानकारी है? एकदम नहीं जानकारी है। क्यों जानकारी नहीं है इसके बारे में? कॉलेज में बताया नहीं गया जी। अब मुझे तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है उसके बारे में। हम लोग तो यहाँ अपने PR sheet एग्जामिनेशन में जो इश्यूज हुए थे उसके लिए आए हुए हैं। आप बताएंगे एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब आपको पता है क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं पता उसके बारे में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब होता है जहाँ आप रजिस्ट्रेशन करा सके और जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो क्या रांची विश्वविद्यालय के कैंपस में चलता है उसके बारे में जानकारी है? नो सर। आपके पीछे एक बोर्ड है, उसको आपने पॉइंट आउट किया है? गौरतलब है कि राज्य के साथ विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष हजारों के संख्या में विद्यार्थी हायर एजुकेशन की डिग्री हासिल करते हैं। एक समय था जब सरकारी नौकरी और बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित कर नौकरी प्रदान की जाती थी, वहीं अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से नौकरी प्रदान की जा रही है। दूसरी ओर विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था है और उस प्लेसमेंट सेल के जरिए भी विद्यार्थियों को योग्यता के अनुसार नौकरी प्रदान की जा रही है। ये नियोजनालय है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ पर हायर डिग्री प्रोफेशनल डिग्री के लोग का यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है जॉब के लिए, यही काम होता है। यहाँ डेली एक या दो लोग ही आ पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का। मतलब पहले से कम संख्या हुई है? संख्या कम गई है कुछ, और 3 साल में रिन्यूअल होता है, अगर रिन्यूअल नहीं करवाएगा तो कार्ड लैप्स हो जाता है। तो ये करते कौन है, आप ही सब करते हैं? नहीं, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब बाकी काम कौन करते हैं? और बाकी काम है बड़ा, वो है ऑफिसर है। तो वो लोग क्या ऑफिस में बैठते हैं? आते हैं, बैठते हैं। तो ऑफिस में कब कब आते हैं? आज तो हमें कुर्सी खाली दिखी। क्योंकि वो दूसरे ऑफिस में है ना, तो यहाँ आते हैं बीच में मंडे ट्यूजडे, इस तरह से जब काम मिला उनको आते हैं। रांची विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को अगर बेहतर तरीके से संचालित किया जाए तो प्लेसमेंट सेल को भी सहायता होगी, वहीं विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी के लिए विकल्प मिलेंगे। इस ओर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी ध्यान देने की जरूरत है। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।